हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अध्यापक के सामाजिक गुण, सोशल क्वालिटीज ऑफ टीचर। एक अध्यापक समाज का निर्माण करने के लिए एक निर्माता के रूप में कार्य करता है और समाज में उसका जो व्यवसाय है प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठा लिए हुए होता है। अतः एक अध्यापक में या फिर कुशल अध्यापक में सामाजिक गुणों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। उसके अंदर सामाजिक कुशलता होनी चाहिए, समाज के साथ समायोजन व अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए, संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए, सामाजिक मूल्यों में आस्था होनी चाहिए, दूसरों के साथ मधुर संबंध होने चाहिए, जैसे कि विद्यार्थियों के साथ संबंध है, प्रधानाचार्य के साथ संबंध है, अथवा अभिभावकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। तो इसी के आधार पर हम सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, सामाजिक कुशलता का होना, सोशल एफिशिएंसी। एक अध्यापक के लिए ये आवश्यक है कि वह सामाजिक दृष्टि से कुशल हो, अर्थात उसके अंदर इतनी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए कि समाज में अराजक स्थितियों को उत्पन्न ना होने दे और ना ही वे उत्पन्न खुद उत्पन्न करे और ना ही किसी के माध्यम से अगर कोई भड़काया जा रहा है उसे भड़कने दे। अपने हर प्रयास में उसका ध्यान इसी ओर केंद्रित रहना चाहिए कि वह समाज के विकास में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कोई देन दे सके, अर्थात अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे समाज के साथ समायोजन व अनुकूलन, टू असिमिलेशन, एडजस्टमेंट एंड एडप्टेशन विद द सोसाइटी। एक अच्छे अध्यापक के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि वह सोसाइटी को अच्छी तरह से समझ ले व सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट होने का यानी एडजस्टमेंट करे। यदि वह समाज को मान्यता नहीं देगा तो इसका प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा और वह भी समय की चिंता नहीं कर सकते और ना ही समाज की चिंता करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे संप्रेषण की क्षमता होना, एबिलिटी टू कम्युनिकेशन। कोई भी अध्यापक हो उसके अंदर संप्रेषण की क्षमता का होना आवश्यक होता है, क्योंकि एक कोई भी अध्यापक छात्रों को पढ़ाएगा, उनसे कुछ पूछेगा, उन्हें कुछ बताएगा, प्रश्नों के उत्तर देगा, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ छात्र अध्यापक के बीच में ही नहीं, उसे प्रधानाचार्य से बात करनी है, अभिभावकों से बात करनी है, समाज के अन्य सदस्यों से बात करनी है, कहीं पर भाषण देना है, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना है, सेमिनार में भाग लेना है, तो वहाँ कम्युनिकेशन की आवश्यकता एक अनिवार्य तत्व हो जाता है। इसलिए संप्रेषण की क्षमता का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है एक अध्यापक के अंदर। इसका आशय यह है कि अध्यापक अपने विचारों को अन्य लोगों के समक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत करे कि उसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, उसकी बातों को मान लें। नेतृत्व की क्षमता के अंतर्गत संप्रेषण का प्रभाव महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यापक जो भी कहे, जो भी बात कहे, उसे छात्र एक कान से सुने व दूसरे कान से निकाल दें ऐसा नहीं होना चाहिए। वह उसकी बातों को सुनकर उसे हृदय में आत्मसात धारण कर लें, उसका अनुपालन करें। उसके लिए वह आवश्यक है कि अध्यापक को संप्रेषण कला में निपुण होना चाहिए। अगर अध्यापक संप्रेषण कला में निपुण नहीं है तो छात्र उसकी बातों को अनदेखा करेंगे, अनसुना करेंगे, उस समय मान लेंगे, लेकिन उस पर उस कार्य पर भी अमल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सामाजिक मूल्यों में आस्था, फेथ इन सोशल वैल्यू। अच्छे अध्यापक का एक गुण ये भी है कि वह जो भी सामाजिक मूल्य हैं, सोशल वैल्यूज हैं, उनमें विश्वास रखे, आस्था रखते हुए उन्हीं के अनुरूप अपने आचरण को ढालने का प्रयास करे। यहाँ उसके लिए ये भी आवश्यक हो जाता है कि समाज की संस्कृति को भी समझे व उसे जीवन को बनाने में, बनाए रखने में अपना सक्रिय योगदान प्रदान करे। अगर एक अध्यापक की जो है सामाजिक मूल्यों में आस्था नहीं है
तो ना ही जो समाज महत्व दे पाएगा अध्यापक के लिए और ना ही बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि सामाजिक मूल्यों में हमें आस्था रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे दूसरों के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद अदर्स। अध्यापक को मिलनसार व्यक्तित्व का होना चाहिए, सभी के साथ उसे अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय व विद्यालय के बाहर अध्यापक जैसे संबंध रखता है उसे कुछ श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि विद्यार्थियों के साथ संबंध। सबसे पहले हम देखेंगे विद्यार्थियों के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, क्योंकि छात्र अध्यापक एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उनके संबंध कैसे होने चाहिए इस विषय में हम देखेंगे। अध्यापक के संबंध में कहा जाता है कि छात्रों का मित्र, निर्देशक व दार्शनिक होता है। द टीचर इज ए ट्रू फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द स्टूडेंट। इस कथन से ये अपेक्षा की जाती है कि अध्यापक का अपने छात्रों के साथ बहुत ही संतुलित व्यवहार होना चाहिए, उसे छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, उसके व्यवहार में अधिकारी या अधिनायकीय व्यवहार की झलक नहीं होनी चाहिए, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थी उस पर विश्वास करें व उसका कथन या फिर उसकी बातों का पालन करें। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सहकर्मियों के साथ संबंध। अध्यापक को अपने साथी अध्यापकों तथा सहकर्मियों के साथ परिवार के सदस्यों के समकक्ष संबंध रखने चाहिए, उसे छोटों के साथ छोटों जैसे संबंध तथा बड़ों के साथ बड़ों जैसे संबंध रखने चाहिए। उसे ना तो किसी की निंदा करनी चाहिए और ना ही किसी की निंदा सुननी चाहिए। उसका पूरा प्रयास विद्यालय वातावरण में अच्छे संबंध स्थापित करना होना चाहिए। यदि विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी परस्पर एक दूसरे से झगड़े झगड़ा करते रहेंगे, लड़ाइयाँ करते रहेंगे, एक दूसरे की बुराइयाँ करते रहेंगे या दूसरों से बुराइयाँ सुनते रहेंगे तो विद्यार्थियों पर इन तनावों का प्रभाव पड़ेगा और इन तनावों के प्रभाव के साथ साथ वे अपना अध्यापन कार्य नहीं कर पाएंगे। देखा जाता है कई बार कई लोग आपस में कर्मचारीगढ़ बात कर रहे होते हैं और बच्चे उन बातों को सुन रहे होते हैं, फिर आपस में उस विषय में वार्तालाप करते हैं, घर जाकर ये बातें बताते हैं, तो इससे क्या होता है उनके ज्ञान का जो है बढ़ोतरी नहीं होती, बल्कि ज्ञान तो एक तरफ रह जाता है और फालतू की बातें भी सुनने में लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्राचार्य के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद प्रिंसिपल। बच्चों के जो माता पिता होती हैं या संरक्षक के साथ अभिभावक आदि के साथ भी संबंध अच्छे होने चाहिए, और यानी कि इस विषय में बच्चों की बातों के संबंध में प्राचार्य से भी वार्तालाप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना पढ़ाया और बस इसके बाद कोई काम नहीं है। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि किसी ना किसी जो भी हमें दायित्व मिले हुए हैं उससे संबंधित प्रधानाध्यापक अध्यापक से बात करनी चाहिए और संबंध मधुर रखने चाहिए। कोई भी कार्य अगर दिया जा रहा है तो उसे करना चाहिए। विद्यालय का जो प्राचार्य है विद्यालय में सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, इस कारण उसे विद्यालय परिवार का मुखिया कहा जाता है। प्रत्येक अध्यापक से ये आशा की जाती है कि परिवार के इस मुखिया का यथोचित आदर करें और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की जुटबंदी नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। एक अध्यापक का दायित्व होता है कि बालकों को शिक्षण कार्य कराए, किंतु ये सब कार्य अभिभावक सौंपते हैं इच्छा के लिए। तो बच्चों के माता पिता या सदस्य के साथ अध्यापकों पर निष्पक्ष व सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। साथ ही यदि अध्यापक उनसे किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो उनके बच्चे से संबंधित जो भी समस्या होती है तो उसका भी हल करने का प्रयास अध्यापकों व शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। बालक का विकास उचित दिशा में हो इसी कारण आज अभिभावक और अध्यापक संघ यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे समाज के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद सोसाइटी। विद्यालय को जॉन डिवी ने समाज का लघु रूप कहा है। स्कूल इज द
समाज का लघु रूप अर्थात स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी अर्थात किसी भी समाज की झलक उसके विद्यालयों में देखने को मिल जाती है या मिल सकती है। यदि विद्यालय सुचारू रूप से कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक ये हो जाता है कि विद्यालय और समाज के यानी कि दोनों के आपस में मधुर संबंध हों। समाज में अध्यापक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह समाज की संस्कृति सभ्यता व मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है। इसीलिए जब कभी भी कोई प्रोग्राम होता है कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं तो समाज के जो कुछ व्यक्ति होते हैं विद्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं। जैसे कि अगर जहाँ पर चेयरमैन मेंबर ये सब होते हैं उनको वहाँ जो 26 जनवरी 15 अगस्त अथवा कोई भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है या फिर साल भर में कहीं कहीं एक प्रोग्राम कराया जाता है उसमें इन लोगों को इन्वाइट किया जाता है और उसके उनके साथ बैठकर कुछ वार्तालाप भी किए जाते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि समाज के साथ अगर मतलब संबंध रहते हैं तो समाज भी उसकी बढ़ोतरी के लिए या फिर उसके आगे बढ़ाने के लिए या प्रोन्नति के लिए तत्पर रहते हैं अर्थात विद्यालय के लिए। और अध्यापक का समाज में भी एक सम्मानपूर्वक स्थान बना रहता है। लोग उन्हें पहचानते हैं उनके कार्य से पहचानते हैं नाम से भी पहचानते हैं। इसलिए आज हमने जो भी पॉइंट देखे यानी कि हम एक अध्यापक के सामाजिक गुण यानी कि सोशल क्वालिटी के विषय में सुशासन में बता देना चाहेंगे। सामाजिक कुशलता होना सोशल एफिशिएंसी समाज के साथ समझन व अनुकूलन स्थापित करना सुरक्षित एडजस्टमेंट एंड एडप्टेशन विद द सोसाइटी संप्रेषण की क्षमता होना एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन सामाजिक मूल्यों में आस्था फेथ इन सोशल वैल्यू। इसके बाद हमने दूसरों के साथ संबंध अर्थात रिलेशनशिप विद अदर्स के विषय में जाना और समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।